हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस आयनिक सॉलिड्स। सो नेक्स्ट सॉलिड्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। टुडे वी डिस्कस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हूज स्ट्रक्चरल यूनिट आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल्स होती है। आयोडीन है तो आयोडीन सॉलिड होता है, और आयोडीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आयोडीन के छोटे आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं तो सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो आयोडीन की जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो आयोडीन ही रहेगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के जब बड़े किसी पदार्थ का सब्सटेंस का निर्माण करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होकर के किसी सॉलिड का निर्माण करें तो उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द सॉलिड्स whose structural units are molecules. Molecules. Examples. Examples. Iodine. Ice. Soil methane. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसमें जो यूनिट होती है स्ट्रक्चर, जैसे आयोडीन का फॉर्मेशन होना है तो आयोडीन के बनने में आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, एक के साथ दूसरे जुड़ते चले जाएंगे और एक सॉलिड का निर्माण करते हैं, सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो आपका कहलाता है आप मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस है, आइस के फॉर्मेशन में H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते चले जाते हैं तो आइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर यूनिट H2O है। सॉलिड में है CH4। CH4 के मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में जब फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड स्टेट में आते हैं, मेथेन गैस होती है, वैसे मास गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सॉलिड मेथेन जब का फॉर्मेशन होता है तो CH4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक के साथ दूसरे कलेक्ट क्लोज इंपैक्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर यूनिट मेथेन होती है, CH4 होती है, इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। नाउ वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। Molecules, these are made of molecules. We can say that molecular solids are made by molecules. जो molecular solids होते हैं वो molecules, उनका formation जो होता है molecules से होता है। Now, these are made of molecules.
Next point. These solids have van der Waal forces as inter-particle binding forces. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनके जो बाइंडिंग फोर्सेज इनके बीच में जो फोर्स वर्क करते हैं वो फोर्स वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं. वैन डर वाल फोर्स जो होता है वीक फोर्स होता है. तो ये वैन डर वाल फोर्स के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं. तो वी कैन से दैट दीज सॉलिड हैव दी सॉलिड है वांडर वाल्स फोर्सेज फोर्सेज एट इंटर पार्टिकल binding forces. Next point these are bad conductors of heat and electricity. These are bad conductors of heat and electricity. जो molecular solids होते हैं अगर जो इन्हें गर्म करोगे तो गर्म भी थी इतने फास्ट नहीं होते हैं. तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होता है. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपके जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का इनका कोई इफेक्ट नहीं रहता है तो ये बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. सो वी कैन से दैट दीज आर bad conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Due to next point are due to low heat vaporization, these are volatile. जो molecular solids होते हैं volatile nature के होते हैं क्योंकि इनका जो heat vaporization होता है उनकी low होती है और heat vaporization low होने के कारण ये आपके volatile nature के होते हैं. So now we can say that due to low heat vaporization heat of vaporization they are volatile. Next topic are covalent solids. Covalent solids are the solids whose constituent unit are atoms. जो covalent solids होते हैं उनकी constituent unit जो होती है वो atom होती हैं. Atoms जो होते हैं वो covalent bond के द्वारा आपस में combined होते हैं. तो इनकी covalent unit आप जो होती हैं वो आपकी atoms कहलाती हैं. इनके examples में आते हैं graphite है आपका, diamond है, silica है, सिलिकॉन कार्बाइड है. ये आपके इसके कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं.
covalent solids are the solids are the solids whose constitute unit are atoms यानी covalent solids हमारे जो होते हैं covalent bond के द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी जो units होती है वो covalent solids में जो unit होती है वो हमारी atoms होती है constitutive unit बोलते हैं तो atoms होती है examples diamond graphite diamond graphite silicon carbon now we discuss characteristics of covalent compound characteristics of covalent compounds these are made of atoms जो covalent solid होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं इसलिए we can say that these are made of atoms ये एटम से बने होते हैं first point these are made of atoms next point interparticle binding forces is covalent bonding between their constitutive unit इनकी जो constitutive unit होती है atoms होते हैं उनके बीच में जो binding force होता है वो covalent binding होती है उनके बीच में covalent bonding भी समझ लो mutual जब electrons की bond के formation में mutual sharing हो तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सपोज H2 का फॉर्मेशन होना है फॉर्मेशन ऑफ H2 तो हाइड्रोजन है वन इलेक्ट्रॉन बट बैलेंस सेल आर नॉट कंप्लीट इसकी बैलेंस सेल जो है कंप्लीट नहीं है सो वन हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय सेकंड हाइड्रोजन by mutual sharing of electron hydrogen have one electron mutual sharing one electron एक atom का है one electron दूसरे atom का है mutual sharing करते हैं तो अगर इसके count करोगे तो one और two इसके count करो one और two बैलेंस सेल में फर्स्ट सेल हो फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन होने पर उसे कंप्लीट मान लिया जाता है और अदर में बात करें तो बैलेंस सेल में फर्स्ट सेल को एक्सेप्ट फर्स्ट सेल अगर बैलेंस सेल होने पर उसमें एट इलेक्ट्रॉन होने पर उसे कंप्लीट मान लिया जाता है ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे बैलेंस सेल कंप्लीट होने के लिए वन वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग कहलाती है और इस प्रकार का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट
इंटर पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल बाइंडिंग बाइंडिंग फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन between their constituent units. Now we can say that third point these are very hard and brittle जो ये कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं ब्रिटल होते हैं डायमंड लाइक ए डायमंड तो दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल डायमंड में चमक भी पाई जाती है हार्ड भी होता है तो हार्ड होते हैं ब्रिटल होते हैं नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। यहां एक चीज आपको समझना है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन कोवेलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, लेकिन जब किसी नेटवर्क की बात करी जाए, जब कोई कंपाउंड नेटवर्क बनाते हैं एक एटम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा एटम जुड़ता चला जाता है, नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क का जब फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क these solids have high melting point and high boiling point These are bad conductor of heat and electricity. जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो दीदार बैड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।